जो देश को बांटने का काम करना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है और मकसद से गति पाना होता है, तब तक बिहार ने उनको बहुत तगड़ा सबक सिखाया है और मुंह में चमेटा मारने का काम किया। कल आप लोगों ने भी जो हमारे तमाम दुकानदार हैं, जो व्यवसाय करते हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, बड़ा व्यवसाय करते हैं, यहाँ भी चाय की दुकान भी होगी, पकौड़े की दुकान भी होगी, रेस्टोरेंट भी होगा, कपड़े की दुकान भी होगी, चूड़ियों की दुकान भी होगी, उससे और मोदी साहब का क्या लिंक है मालूम है? आप हमारे युवा साथी इंजीनियर की डिग्री ले लीजिए, डॉक्टर की डिग्री ले लीजिए, लेकिन डिग्री लेने के बाद हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपको पकौड़ा बेचना, पकौड़ा बेचना गुनाह नहीं है, चाय बेचना गुनाह नहीं है, दुकान लगाना गुनाह नहीं है, लेकिन हम लोग भी जब बचपन से पले बड़े हुए तो कोई भी ठेले वाला अगर पकौड़ा बेच रहा है तो अपने बच्चे के लिए यह सपना देखता है कि यह ठेले में पकौड़ा नहीं बेचेगा, उसको डिग्री दिलाऊंगा। और सरकार का काम है कि अगर हमारे पास डिग्री होगी तो सरकार हमको नौकरी मुहैया कराएगी। कोई भी व्यक्ति ये सपना नहीं देखता है कि 30 साल के बाद जब मेरा बेटा या बेटी जवान होगी तो उसी तरह से खड़ा लगा के मोदी साहब कहते हैं कि 200 रुपए कमा लीजिए बहुत हो गया। ये सपना कांग्रेस ने कभी नहीं दिखाया था। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, बीजेपी और मोदी साहब अगर रहेंगे तो प्रधानमंत्री या बीजेपी का अध्यक्ष और 50,000 की टर्न ओवर इतने की हो जाती है। हम सुना है युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, कहेंगे हमें 7 लाख 2 करोड़ देंगे, अभी तक 10 करोड़ को मिल गया। आप युवाओं से पूछती हूँ कि मोदी साहब के राज में आपको नौकरी मिली? आप कहेंगे नहीं मिली। हम कहते हैं आप झूठ कह रहे हैं, आपका दोष इतना है कि आप अमित शाह के बेटे नहीं हैं। मोदी साहब जैसे ही प्रधानमंत्री बन गए तो 1 साल में 50,000 की टर्न ओवर 80 करोड़ में बन जाती। मोदी जी का व्यापार और युवाओं को नौकरी देने का काम, उसके लिए आपको जय शाह बनना पड़ेगा, अमित शाह का बेटा बनना पड़ेगा। अभी कल भाषण हो रहा था बजट, अभी मैं व्यंग देखते आ रही थी, लोग सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं कि ये बजट प्रधानमंत्री बचाओ बजट, जिस तरह से मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए 5 लाख जो कमा रहे हैं सालाना, उसके लिए जिस तरीके से लुभाने की कोशिश की है, आप युवाओं को यह ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भैया 50 लाख सालाना वो कमाता है जो इंजीनियर बनकर आता है, जो जूनियर इंजीनियर होता है, डिग्री मिलेगी तो आपका टैक्स डिबेट होगा ना। एक तरफ आपने GST लगाया, नोटबंदी की जो भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, नकली करेंसी खत्म होगी, आतंकवाद खत्म होगा और लोग टैक्स पे ही बनेंगे। तो क्या किया 4 साल तक 4 करोड़ टैक्स पे थे, 7 करोड़ हुए, अब चुनाव आया तो 3 करोड़ को टैक्स से बाहर कर दिया। 4.5 साल तक आपको 5 लाख सालाना वाले याद नहीं आए? ये वही लॉलीपॉप है
बचपन की जान गई और कहा कि हमको काला धन वापस लेके आ रहे हैं, जीएसटी लगाई और जब अब फिर वोट लेने की बारी आई तो पूंजीपतियों का 3.5 लाख करोड़ माफ किया और आज किसानों की वोट लेने की आई तो 2000 रुपए 4 महीने में झुंझुना पकड़ाने का काम किया। सालाना 6000 और पूंजीपतियों का 3.5 लाख माफ, 3.5 करोड़ माफ, 62,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, ये 2019 के चुनाव तक खासकर युवाओं को भूलना नहीं है, महिलाओं को भूलना नहीं है, व्यापारी वर्ग को भूलना नहीं है कि जिस तरह से जीएसटी और नोटबंदी हुई हम आपको आगाह करते हैं कि अगर 2019 में जो 99% इनकी वापसी नहीं होगी अगर हुई तो 2000 के नोट दोबारा से बंद होंगे। मैं आज ही ऐलान करके इनका मकसद है 4 साल आवाम का खून चूस लो और उसके बाद सब बात अंतिम के चंद महीनों में दिखाओ। हमारी बहन यहाँ खड़ी है, कल पीयूष गोयल बोले कि हमने 6 करोड़ की उज्ज्वला योजना से फ्री में गैस सिलेंडर दिया है। मैंने कहा भैया गांव में जाके पूछो, मेरी और संबित पात्रा की डिबेट हो रही थी 5 करोड़, उसमें मैंने बताया था उज्ज्वला योजना में 1600 रुपए में आपने गैस सिलेंडर दिया, जब तक वो 1600 रुपए नहीं आया तब तक आपने सब्सिडी नहीं दी, एक तरफ आपने गैस सिलेंडर चूल्हा दिया, कंपनी को फायदा कराया, जो कंपनी सालाना 50,000 कनेक्शन देती थी उसको डायरेक्ट 2 करोड़ किया, उसका कमीशन पार्टी को दिया, सरकार के खजाने में नहीं किया, और अब सरकार की रिपोर्ट है, टैक्स की रिपोर्ट है कि अगर 6 करोड़ को गैस सिलेंडर मिला 80% घरों में गैस सिलेंडर नहीं जलता है, चूल्हा जलता है, क्योंकि गैस सिलेंडर बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार तो कांग्रेस के टाइम सिलेंडर कितने का था, 400 सब्सिडी वाला 365 और अभी सब्सिडी वाला सिलेंडर, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी भगाओ सरकार, हमारे सुपौल में मिलता है 250 रुपए, आपके यहाँ में कितने का मिलता है बताइए, 1050 जल्दी लेना है तो 1200 दीजिए, है ना, ब्लैकमेलिंग भी चलती है, काला बाजारी भी चलती है, तो ये है उज्ज्वला योजना का सच। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को जब ये कुछ नहीं चला, 3 तलाक हमारे सदन में खड़े होकर महिलाओं के नाम पर जो भैयानी आंसू बहाने का काम करते हैं, उनके मुंह में तमंचा मारने का काम किया, मैंने किस महिला की बात करते हैं, ये मुसलमान महिला मुस्लिम महिला मुस्लिम महिला क्यों करते हैं, बारिश है आज हर मिनट में एक महिला जलती है उसको भी घर से बाहर निकाला जाता है, महिलाओं की बात करें जिसका परसेंटेज 0.01% है उसके पीछे आपको इतनी हमदर्दी है, अगर इतनी हमदर्दी है तो पहले आप कुरान पढ़ लीजिए, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ी है वो आपकी कौन के लोग भी हो सकते हैं, वो गुमराह हुए हैं। मैं एक महिला होने के नाते मैंने कहा मुझे भी गर्व है कि कुरान में जो तरीका तलाक का और तलाक नहीं लेने का सूरह निसा में सूरह बकरा में पेज नंबर 1 से 6 में वर्षा 228 से 240 में, मैंने कहा मोदी साहब थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप महिलाओं की हमदर्दी की बात कीजिए, आज बहुत जरूरी है कि जिस तरह से कि मुझे बहुत दुख होता है कि महिला चूल्हा जलाती है तो आंसू आते हैं, मुझे बहुत
बच्चों पे तलाक देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, कुरान को भी दुख होता है, अकलियत को भी दुख होता है, आप कानून वही लाइए, आप उन्हीं लोगों को बुलाइए और हर धर्म का सम्मान कीजिए, सम्मान के साथ भी जब मजबूत कानून है।